जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारे साथ थे पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे जी, रजरप्पा मंदिर आज आए हुए हैं और यहाँ पे माँ का आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं आज की जो अंतिम सोमवारी है, जानते हैं हमारे पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे जी से। सर आज कैसा लग रहा है, सावन की अंतिम सोमवारी है, काफी यहाँ पे शिव भक्तों की काफी ज्यादा भीड़ भी है, क्या कहना चाहेंगे शिव भक्तों को? सबसे पहले तो मैं पिछली वर्ष भी मैं यहाँ आया था, अंतिम सोमवारी को यहाँ आया था और हर वर्ष मेरी मन में इच्छा रहती है कि अपने संसदीय क्षेत्र के इस महायज्ञ में जो अंतिम सोमवारी को यहाँ से जल उठता है और विभिन्न मंदिरों में जाता है तो ये अद्भुत नजारा है और भोले बाबा की असीम कृपा है। अगर हमें सीखना है तो शिव से सीखना चाहिए कि कैसे रहना चाहिए, प्रकृति के साथ कैसे बैलेंस होना चाहिए। और आज इस जन सैलाब देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जो सनातन है, जो चीर पुरातन है, जो नित नूतन है, आज माँ बहनों के बल पर ही यह टिका हुआ है। क्योंकि मिट गए जहां से, माने दुनिया से यूनान मिस्र, कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यानी हमारी जो सभ्यता है बरसों गुलाम रहने के बाद भी आज भी वही सैलाब है, वही राम कृष्ण बाबा विश्वनाथ, माने भोले के प्रति वही आस्था है। तो मैं अपने संसदीय क्षेत्र सहित संपूर्ण झारखंड और सब देशवासियों को श्रावण की, अभी अधिक मास था यानी पुरुषोत्तम मास था, यानी आपके पास 5 रुपया तो 10 रुपया हो गया, यानी 1 महीना बढ़ गया, तो पुरुषोत्तम मास की सावन की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो, जीवन मंगलमय हो, समृद्धि बढ़े और देश जैसे कि अभी चंद्रयान दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा है और हमें ऐसा लगता है कि विश्व